ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अमेठी उत्तर प्रदेश सांसद किशोरीलाल शर्मा ये नागपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने आयोजित पत्र परिषद में विविध मुद्दों पर पत्रकारों से संवाद साधा। किशोरीलाल शर्मा ने पत्रकारों से विविध मुद्दों पर संवाद साधा। इस समय पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर बोलते हुए किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि उनको तो कहना है क्योंकि अपोजिशन के 235 लोग बैठे दिखते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर सवाल करने पर शर्मा ने कहा कि हम स्थापना अविनाश पांडे के नेतृत्व में वॉर रूम तैयार की जाएगी। इलेक्शन के लिए हम अभी भी तैयार है, सरकार ने ही इलेक्शन को आगे बढ़ाया। रोचक तो आपको लोगों को लगता है, मैं तो अमेठी एक्चुअली मैं 40 साल से हूँ, ये मेरा 41वां साल चल रहा है। मैं 22 साल की उम्र में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मैं वहाँ गया था। 83 में मेरे को राजीव जी अपने साथ लेके गए थे, तो तब से हम लोग वहाँ पे हैं। और मेरे को जब मैं 1983 में गया था तो 1985 में मेरे को टिकट मिल गई थी एमएलए की, लेकिन मेरी उम्र 25 साल पूरी नहीं थी कि नहीं तो शायद मैं लाइन दूसरी हो जाती। कि हमारे जो 10 लोग गए थे उसमें से 7 लोगों को एमएलए की टिकट मिली थी, और उसमें बाद में कुछ मंत्री भी बने उसमें से। लेकिन राजीव जी ने मेरे को, जब मैंने उनको बताया कि मेरी उम्र नहीं पूरी है 25 साल, तो उन्होंने मेरे को कंटिन्यू अपने साथ रखा, तो मैं उनकी तब से मैं कंटिन्यू वहाँ पे करता रहा। और मैंने कभी इलेक्शन लड़ने की सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे को 40 साल इलेक्शनिंग का एक्सपीरियंस है अमेठी रायबरेली का, दोनों का। तो जब मेरे को ये कहा गया कि आपको शायद ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, तो मैंने दूसरे का नाम दिया। मैं कहा नहीं, मैं कहा कि शायद मेरे को लगता कि ये मेरे से अच्छा लड़ेगा, तो उसका नाम दिया। तो वो आदमी आके कहा कि नहीं सर, मैं तो ऑलरेडी हूँ, तो मेरे को मतलब ये नहीं। तो फिर अल्टीमेटली ये जिम्मेवारी मेरे को आदेश हुआ गांधी परिवार का, तो मैं फिर लड़ा वो इलेक्शन। क्योंकि अब मैं 40 साल से वहाँ काम करता था, तो मैं एक 3 जनरेशन मैंने बदलती देखी अमेठी में, कि जिनके साथ मैं जब यंग एज में था वो आज ओल्ड एज में आ गए, जो उस समय के बच्चे थे वो आज पॉलिटिक्स के अंदर आ गए। तो एक मेरा एक तरह से 3 जनरेशन से मेरा अमेठी से एक रिश्ता बना हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम द पार्टी लाइन, क्योंकि मैं राजीव जी का भी प्रभारी रहा हूँ, सोनिया जी का प्रभारी रहा हूँ, राहुल जी का प्रभारी रहा हूँ, मतलब इनके सबका इलेक्शन एजेंट भी रहा हूँ, उसके बाद काम भी देखता रहा। तो ये मेरा वहाँ पे जुड़ाव था लोगों के साथ में। तो लगा तो, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है, लड़वाना बड़ा आसान होता है, तो मेरे को लड़वाना बहुत आसान लग रहा था। लेकिन अपना मैंने हिच भी किया, लास्ट दिन जब डिसीजन हुआ उस दिन भी मैंने ये कहा कि मैं कहा नहीं, मैं कहा मेरे को लगता है कि बड़ा इलेक्शन है, क्योंकि हम उस इलेक्शन की ग्रेविटी में समझता था दोनों जगह की रायबरेली और उसकी, क्योंकि हमने हमेशा वहाँ पे बहुत मतलब कैंडिडेटों के साथ सामना किया। लेकिन हमने कोई भी इलेक्शन, राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी, कोई भी इलेक्शन हमने एक गारिमापूर्ण ढंग से लड़ा, कभी बिलो द बेल्ट कभी हम इलेक्शन में नहीं गए। और इस इलेक्शन में भी हमने वही किया, हमने किसी भी, आप मेरा पूरा उठा के देख लीजिए, वीडियोज आपको मिल जाएंगे, मैंने एक शब्द भी किसी के लिए बुरा नहीं कहा, ना मेरे अपोनेंट के लिए कहा, ना मैं उनकी पार्टी के लिए कहा। मैंने जो मतलब किया कि लोग, आप जानो आप कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हो, आप अच्छा बुरा अपना खुद समझते हो, तो आपको फैसला लेना है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जी मैं तो, मैंने इतना ज़रूर कहा कि भाई कुछ बड़े बोल बोले गए, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये मेरा करैक्टर नहीं, मेरे को राजीव जी ने ये सिखाया है कि महिलाओं की इज्जत कैसे होती है, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि भाई उन्होंने जो कहा ये उनके संस्कार हैं, मेरे संस्कार मेरे परिवार ने मेरे को ऐसे नहीं दिया कि मैं किसी महिला के खिलाफ बोलूं या मैं किसी के आचरण के बारे में कोई कहूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मेरे से छोटी हैं, अगर उन्होंने गलती की मैं माफ़ करूँगा। तो मैंने बिल्कुल भी कभी उनका ही नहीं, आज तक भी इलेक्शन जीतने पर कभी कभी घमंड से नहीं कहा कि मैंने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, ये किया जो है वहाँ की जनता ने और गांधी परिवार ने ये किया। क्योंकि अमेठी और रायबरेली के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट है गांधी परिवार, क्योंकि मैं 40 साल से उन लोगों के बीच में हूँ और मैं जानता हूँ कि वहाँ पर किस तरह का ये है। सर, आपको गांधी घराने से जुड़े हो और यहाँ पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता जो है ये शाप है, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या श्राप है? मतलब श्राप है।
तो उनको तो कहना है, क्योंकि आज अपोजिशन दिखता है हाउस में, 235 लोग बैठे दिखते हैं, तो कहेंगे भी कुछ भी। शर्मा, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, कोई बड़े नेता आपके यहाँ से आएंगे क्या यहाँ पे प्रचार करने? नहीं, अभी अभी कल ही वहाँ वार रूम की स्थापना अविनाश पांडे जी गए थे, हमारे एक सेक्रेटरी हमारे वो हैंडल करें, हम लोग तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हम तो अभी भी तैयार थे, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन को डेफर किया। जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे, आपके कैंडिडेट थे विकास ठाकरे, वो एक अर्जुन की तरह लड़े, ऊपर से कोई बड़ा नेता उनके प्रचार। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई, बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।